न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दिशा और दिशा, मैं हूँ आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठे ही बोलते हैं। अपने सियासी बयानबाजी तो बहुत से देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी आज किस रेंज पर खड़ी हो चुकी है, ये जानते हैं। आज मैं आपको अपडेट कराऊंगी भाजपा के खिलाफ जो साझा उम्मीदवार खड़ा हो चुके हैं उनके बारे में। भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर प्राथमिक सहमति बन गई है। पटना से हुए इस विपक्षी दलों के लिए बैठक में छोटे मोटे 15 दल शामिल हुए थे। हालांकि तेलंगाना वाले केसीआर, उड़ीसा वाले नवीन पटनायक और वाईसीआर कांग्रेस के वाईपीएस जगन मोहन रेड्डी ने इस बैठक में वह शामिल नहीं हुए थे। बता दूं कि उन्हें छोड़कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लगभग सभी दलों में बैठक मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा है कि लोकसभा चुनाव के एक साथ लड़ने पर हम सभी सहमत हो गए हैं, सीटों के बंटवारे के लिए अगली बैठक में शामिल होगी। सभी नेताओं का मानना है कि हम सबके बीच में छोटे मोटे मतभेद तो चलते ही रहेंगे, लेकिन चूंकि यह विचारधारा लड़ाई की है इसलिए हम हर हाल में एक साथ बना रहना चाहेंगे। दूसरी ओर एक दिन पहले ही बैठक में शामिल होने अरविंद केजरीवाल ने जो शर्त रखी थी उसे मान लिया गया है। सभी दलों ने कांग्रेस से अपील की थी कि वह दिल्ली के अध्यक्ष मामले पर आप पार्टी के साथ थे। उल्लेखनीय ये भी है कि पिछले दिनों एक अध्यक्ष लेकर केंद्र ने दिल्ली सरकार की कई अधिकारी छीन ले गए थी। इसी बीच भाजपा ने इस बैठक में मद्देनजर रखते हुए एक अजीब तरह की खलबली देखी गई है। घटना में इस मीटिंग के मद्देनजर रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ और तरह से एक पोस्टर भी लगाए थे। किसी पोस्टर में विपक्षी नेताओं के थग्स ऑफ हिंदुस्तान बताया गया तो किसी पोस्टर में लिखा गया था हल्ला है हर और बिहार में मिलेंगे सारे चोर। वहीं एक और पोस्टर में लिखा गया था कि लोकतंत्र की हत्या करें, आज किसी मुंह से जेपी की धरती पर आ रहे हैं। क्या देश में एक बार फिर इमरजेंसी लगानी चाहती है, आज मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आई थी। आज की खबरों में और आज की अपडेट में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक नई अपडेट को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे सुनिपिक की खास पेशकश के साथ देश की दिशा और दिशा में। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।